दीपावली पर्व के अवसर पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद रविवार को गोरखनाथ मंदिर से प्रस्थान करके करीब 2:15 बजे देहरादून पहुंचे। जावली ग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित अन्य लोगों ने किया, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के साथ एयरपोर्ट से ही केदारनाथ के लिए रवाना हो गए और शाम करीब 4:15 पर केदारनाथ धाम पहुंचे और धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और शाम को पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान केदारनाथ की आरती उतारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 नवम्बर को तड़के 4:30 बजे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे और बद्रीनाथ में उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले के तहसील जोशी मठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास का गृह का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी लागत करीब 11 करोड़ है। इसमें 40 कमरों के साथ रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डॉर्मेट्री और पार्किंग की सुविधा होगी। इस भवन का निर्माण गढ़वाल उत्तराखंड शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कराया जा रहा है। ये करीब 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों और विदेशों से आने वाले पर्यटक ठहर सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, Thank you.
देखिए बाबा केदारनाथ जी का आदेश आया, हम उनके श्री चरणों में यहाँ पर आज दर्शनार्थ पहुंचे हैं। कल से इस पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का और 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2013-14 में जो त्रासदी यहाँ पर आई थी, उस त्रासदी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो एक कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, श्रद्धालुजनों का विश्वास इतने शीघ्र बहाल करने में यहाँ की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सफलता प्राप्त की है वो अभिनंदनीय है। मैं इसे बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद मानता हूँ, उनकी कृपा मानता हूँ और सचमुच मैं बहुत दिनों से सोचता था, जब भी मैं नियमित पूजा में बैठता था तो अक्सर मेरे पूजा के समय में मैं इस बात को देखता था कि इस धाम के दर्शन मुझे होते थे और 2 दिन पहले ही मुझे उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कहा कि केदारनाथ धाम के अब शीतकालीन कपाटबंदी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुजनों के लिए एक यात्री विश्रामालय का, अतिथि विश्रामालय का निर्माण कार्य भी करना है। अगर ये दोनों काम एक साथ हो जाए तो दीपावली से का शुभ अवसर मुझे लगता है कि इससे अच्छा दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता था और इसलिए आज मुझे यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देवभूमि को भी प्रणाम करता हूँ। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इस पौराणिक महत्व की श्रद्धा के केंद्र के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार करवाई और अपने मार्गदर्शन में आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में आज ये कार्य सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हो रहा है। ये सचमुच श्रद्धालुजनों के विश्वास को बहाली करने के साथ साथ भारत की अस्मिता और भारत के सांस्कृतिक केंद्रों और मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और उसके प्रति एक विश्वास को पुनर्स्थापित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। यही आस्था भारत को भारत बनाने में मदद करती है। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बाबा केदारनाथ जी के प्रति विनम्र यहाँ पर उनसे निवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों के कुशल क्षेम और मंगलमय जीवन की कामना करने के लिए उत्तराखंड वासियों का और पूरे देश में सुख चैन और सुरक्षा का जो वातावरण है यह इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाताकत बने, यह कामना के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने हमें आने का यह अवसर प्रदान किया है।